आज भारत के 75 स्कूलों की 750 तालिबात के लिए बेहद फख्र का दिन है, जिनके बनाए आजादी सैटेलाइट की आज लॉन्चिंग होने जा रही है। इन तालिबात के साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा ने बातचीत की। सभी तालिबात जोश से लबरेज नजर आई, और हो भी क्यों ना, इसरो से इनका सैटेलाइट जो लॉन्च होने जा रहा है। मुल्क की आजादी की 75वीं सालगिरह को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। आजादी की सालगिरह को लेकर मुल्क और मुल्क के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों में जमकर जोश है। इस सिलसिले में इसरो ने भी महोत्सव को अनूठे अंदाज में मनाने का ऐलान किया था, जो आज पूरा होने जा रहा है। इसरो के मुताबिक भारत का तिरंगा आन बान और शान के साथ खला में भी लहराएगा। पूरी दुनिया तिरंगे को लहराते हुए देखेगी। आजादी सेट लॉन्चिंग काउंटडाउन के आखिरी दौर में है। साथ खड़ी इस भीड़ को देखिए, जानते हैं ये कौन है? ये देश की बेटियां हैं। आप इन्हें नन्हे स्पेस साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से 75 स्कूल से चुनकर आई हुई ये 750 बेटियां, जिन्होंने मिल करके अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के साथ इस आजादी सैटेलाइट को बनाया है, जिसे इसरो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने वाला है। इस साल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक सैटेलाइट हमें बनाना है, और फिर ऐसे 75 स्कूल सिलेक्ट हुए जिसमें 10 गर्ल्स हैं हर टीम में, और फिर उन सबको सैटेलाइट प्रोग्राम करके स्पेस के इंजीनियरों को वापस भेजते हैं, जो कि वो कंपाइल करके पूरी प्रॉपर सैटेलाइट बना के इसरो खुद लॉन्च कर रहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए, और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा खुद का जो मैंने सैटेलाइट बनाया है वो इसरो लॉन्च कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत गर्व हो रहा है कि ये ऑल वुमेन प्रोजेक्ट है, ये नारी शक्ति है जो आज हमें देखने को मिल रही है। और मैं मोदी जी को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके लिए कि उन्होंने हम लड़कियों को ये मौका दिया कि हम ये सैटेलाइट को प्रोग्राम करें और हमारी सैटेलाइट स्पेस में जाए। इसरो आज आजादी का अमृत महोत्सव बिल्कुल अलग अंदाज में मनाने जा रहा है। आज सुबह 9:18 पर मिनी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के मुताबिक मिनी सैटेलाइट के जरिए खला में तिरंगा लहराया जाएगा। इसरो के साइंसदानों की पहल से हर घर तिरंगा मुहिम में न सिर्फ मुल्क के घर घर में बल्कि खला में भी भारतीय तिरंगा फहराने जा रहा है। इन्होंने अपनी हर पॉसिबल, जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती थी, जो भी चीज़ थी, दे वर वेरी डेडिकेटेड। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और उसके बाद जहाँ भी हम अटके, केसन मैम ने हमें सपोर्ट किया, उनकी टीम ने हमें सपोर्ट किया, और उसके बाद हमने फाइनली प्रोग्राम करके किट वापस भेजी। एंड फाइनली आज हमें लग रहा है कि सच में हमारी ड्रीम्स ट्रू होने वाली है। सब एक्साइटेड थे, सब लोग रेडी थे कि इतना बकअप कर रहे थे इनको, सिर्फ अपने स्कूल से नहीं, डिस्ट्रिक्ट के, पंजाब, मतलब बाकी जहाँ के भी इनके रिलेटिव से सबसे प्रेज अपलोड हो रहा था इनको, सबको बड़ा अच्छा फील करा, हम भी फील कर रहे थे और बच्चे तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे इस चीज के लिए। इसरो आज से मुल्क के 75 स्कूलों की तालिबात की कोशिशों को पंख देने जा रहा है, जो अपना सबसे छोटा कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। ये सैटेलाइट कौमी झंडे को खला में लेकर जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए जाने वाले SSLV में आजादी सेट नाम का एक को पैसेंजर सैटेलाइट होगा, जिसमें मुल्क भर की 75 स्कूलों की 750 नौजवान तालिबात की कोशिश से बनाए गए 75 पैलोड शामिल होंगे। पीएम मोदी ने मुल्क की आजादी के 75वें साल पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए तरकीब देने की जानिब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है। दरअसल इस पहल के पीछे लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाना और अवामी हिस्सेदारी के जज्बे से आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। छोटी सी नजर आने वाली बेटियां ये देश का भविष्य हैं। कल इन्हीं में से कोई बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। Turns around and looks at our girl children, and of course I understand that our honorable prime minister is so focused on beti bachao beti padhao, and this is in that line. So I think all the Indians are synchronized towards the same dream of getting our girls to be in the epitome of the world. Great. And your name again for the I'm Dr. Srimati Kesan, founder CEO Space Kids India,